हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सहगल एजुकेशन में। आज मैं आपको बताऊंगा कि फोटोशॉप में मूव टूल का क्या यूज होता है और लासो टूल से हम कैसे अपनी फ़ोटो का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारा डेस्कटॉप है, ये हमारा है ऑफिस बटन। ऑफिस बटन में जाएंगे हम और सर्च में डालेंगे एडोब फोटोशॉप 7। हम ओपन कर लेते हैं। देखिए, हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा। अब इस पर मैं फाइल में जाऊंगा और ओपन पे क्लिक करूंगा। और ओपन पे क्लिक करने के बाद जो भी फ़ोटो मुझे चूज़ करनी है, जिसके भी मुझे चेंज करने हैं, उस फोटो को मैं ओपन कर लूँगा। उसके बाद अब मैं इस फोटो को की लेयर बना लेता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डुप्लीकेट लेयर पे हमें वर्क करना है। जब भी हमें वर्क करना है, डुप्लीकेट लेयर पे करना है। तो मैंने इसे लेयर बना लिया। इसमें आप नाम भी डाल सकते हो, मैंने कोई नाम नहीं डाला है। और मैं डुप्लीकेट लेयर बना करके और पहले वाली लेयर पर लॉक कर देता हूँ और अपनी डुप्लीकेट लेयर पर काम करता हूँ, जिससे कि मेरी ओरिजिनल फ़ोटो पर कोई भी नुकसान नहीं होगा। अब मैं लासो टूल पर जाता हूँ और लासो टूल पहला वाला जो आ रहा है, जिसका शॉर्टकट होता है L, उस पर क्लिक कर लेता हूँ और उससे मैं अपनी फ़ोटो का सिलेक्शन करता हूँ। ये हम फोटो का सिलेक्शन कर लेते हैं। आप जितना भी आराम आराम से सिलेक्शन करना और सावधानी से करना, क्योंकि तो अगर आप जल्दी करोगे, मैं तो आपको करके दिखा रहा हूँ, तो इसलिए देखो गैपिंग आ रही है, लेकिन आपको बड़ी आराम से करना है फ़ोटो का सिलेक्शन। लासो टूल से आप फ़ोटो का सिलेक्शन कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत आए तो बैक स्पेस करके आप चेंज भी कर सकते हो उससे। ये देखिए, मैंने जैसे सिलेक्शन कर लिया है, और जिस पॉइंट से सिलेक्ट करो और लास्ट पॉइंट भी आप उसी पे ही उसको दोनों को जोड़ो, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये देखिए, सिलेक्शन हो गया आपके सामने। अब मैं फाइल में जाऊँगा, न्यू फाइल पर क्लिक करूँगा और ओके कर दूँगा। जैसे ही मैं न्यू फाइल पर क्लिक करता हूँ, मेरे सामने नया पेज खुल के आ जाएगा। अब मैं मूव टूल की हेल्प से जो मैंने सेलेक्टेड एरिया, जो मैंने फ़ोटो सेलेक्ट करी है, उसको मैं ड्रैग करके न्यू पेज पे लेके आता हूँ और कंट्रोल टी दबा देता हूँ। कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, इससे मैं इसे बड़ा छोटा भी कर सकता हूँ। देखिए, मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने बड़ा किया तो देखिए, थोड़ी सी गैप में इधर लेफ्ट साइड में देखो, थोड़ा सा कट गया है उसकी। तो आपको बड़ी सावधानी से करना है सिलेक्शन। अगर आप ज़्यादा जल्दी करेंगे सिलेक्शन करने में, तो आपकी फ़ोटो साफ और अच्छी नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैं आपको दूसरा टूल का यूज़ करके दिखाता हूँ। सेकंड टूल होता है हमारा, तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, जिससे आपको साफ दिखाई दे। कंट्रोल डी मार के मैं इसका सिलेक्शन हटा भी देता हूँ। फिर मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। अब मैं सेकंड टूल में जाता हूँ। आपका सेकंड टूल है, हमारा सेकंड टूल है पॉलीगन लासो टूल। ये ऊपर के ऑप्शन मैंने आपको पहले बताए दिए थे। अब हम आते हैं पॉलीगन लासो टूल पे। इसका भी शॉर्टकट L होता है। पॉलीगन लासो टूल भी सिलेक्शन के लिए काम आता है। ऐसे भी हम वैसे ही सिलेक्ट करेंगे जैसे हमने पहले वाले टूल से किया था। इससे थोड़ा सा और आसानी से पड़ जाएगा, ये उसके मुकाबले थोड़ी ही आसानी पड़ेगी। और ये आपका माउस पे हाथ अच्छा चलना चाहिए। अगर आपका माउस पे हाथ अच्छा चलेगा, तो आपका सिलेक्शन अच्छा होगा। और अगर आप माउस पे जल्दबाजी करेंगे, तो आपका सिलेक्शन में दिक्कत आ सकती है। तो आप बड़ी सावधानी से सिलेक्शन कीजिए। मैं आपको बड़ी सिंपल वे में वीडियो में बताता हूँ। अगर आपको फिर भी कोई परेशानी हुआ करे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिए, सिलेक्शन कर रहा हूँ मैं। आप सिलेक्शन करते समय अपनी फाइल को कंट्रोल प्लस से जूम भी कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस से आप जूम कर सकते हैं और कंट्रोल माइनस से जूम आउट कर सकते हैं। ये देखिए, सिलेक्शन हो रहा है आपका भी। 25 पॉइंट से आप सिलेक्शन चालू करें, उसी पॉइंट पे आ करके आप उस पॉइंट पे ही एंड पॉइंट बनाएं। उसी को जहाँ से हम शुरू करें, वहीं पर हमें ख़त्म करना है। ये
देखिए अभी बस सिलेक्शन आपका ये होने ही वाला है। ये देखिए जैसे ही सेलेक्ट होगा ये चारों तरफ आपका बॉर्डर बना हुआ आ जाएगा जो हाईलाइट हो रहा है। अब मैं फाइल में जाऊंगा, न्यू पे क्लिक करूंगा, नया पेज ले लूंगा आपके सामने, और मूव टूल की हेल्प से मैं इस फोटो को न्यू पेज पर ड्रैग कर दूंगा। जैसे मैं ड्रैग करता हूँ अब मैं कंट्रोल टी कर दूंगा, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। उसको मैं बड़ा छोटा करके देखता हूँ, देखो उसके मुकाबले फोटो अब का सिलेक्शन अब अच्छा हुआ है। तो ये जो टूल है सारे सिलेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, जितना अच्छा सिलेक्शन करोगे आप उतना अच्छा होगा। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ और अब मैं थर्ड टूल के बारे में आपको बताता हूँ। थर्ड टूल है आपका मैग्नेटिक मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक लासो टूल को चुम्बक की तरह काम करता है, जैसे चुम्बक से चिपकता है ना, कोई चीज़ चिपकती है ऐसे ही इसमें ये कलर पकड़ लेता है। जैसे ब्लैक कलर मैंने पकड़ा तो ये ब्लैक कलर को पकड़ता जाएगा अपने आप। अब बैक स्पेस करके आपका जैसे गलत हो जाता है तो आप बैक स्पेस करके इसको चेंज भी कर सकते हैं। फोटोशॉप एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर होता है फोटो के मुकाबले। ये देखिए जैसे ये अब गलत हो गया तो मैंने इसे बैक स्पेस दबाया, ये बैक किया, बैक करके फिर मैं दोबारा से भी सिलेक्शन कर सकता हूँ इसका। ये देखिए मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, जितना अच्छा आपका माउस पे हाथ चलेगा उतना अच्छा आपका सिलेक्शन होगा। देखिए देखिए कितनी जल्दी हो रहा है, अगर आपका हाथ अच्छा चलेगा तो ये बहुत जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। जहाँ से आप सिलेक्शन चालू करें वहीं पे ही क्लोज करें। देखिए बैक स्पेस से आप चेंज कर सकते हो, बैक स्पेस से बैक जा सकते हो, आप अपने सिलेक्शन को सही कर सकते हो। ये देखिए फोटोशॉप में आप कई तरीके के टूल आते हैं और सारा काम फोटोशॉप में टूलों से ही होता है। बिना टूल की हेल्प से आप कोई भी काम नहीं कर सकते फोटोशॉप में, तो आपको टूल प्रैक्टिस बहुत अच्छी आनी चाहिए। मैं अपनी वीडियो में सारे टूल आपको बताऊंगा। पहली वीडियो में ही मैंने आपको टूल बताए थे, दो दो करके मैं आपको टूल बताऊंगा हर एक वीडियो में। ये देखिए सिलेक्शन हो गया, अब जिस पॉइंट से शुरू किया था उसी पॉइंट पर हमें जाके क्लिक करना है, तभी ये हमारा सिलेक्शन कंप्लीट होगा। ये देखिए बैक स्पेस मार सकते हैं, बैक स्पेस से बैक हो जाता है। ये देखिए सिलेक्शन हो गया आपका। अब हम न्यू फाइल लेते हैं, न्यू फाइल लेते ही हम न्यू फाइल लेकर के हम इस फोटो को इसमें ड्रैग कर देंगे। ये मैंने आपको सारे टूल बताए दिए थे पहली वीडियो में, अगर आपको जाना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर के फोटोशॉप की पहली वीडियो देख सारे टूल बताएं। ये देखिए मैं इसे ले आया ड्रैग करके, कभी कभी ऐसा होता है टूल चालू हो जाता है तो आप बैक स्पेस करके इसे ठीक कर सकते हैं, और कंट्रोल डी दबा करके आप डी से सिलेक्शन कर सकते हैं। कंट्रोल डी से डी सिलेक्शन हो जाता है। ये देखिए मैं फोटो को उठा करके ले आया न्यू पेज पे और ये मेरा सिलेक्शन हो गया। देखिए आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है समझाने में या आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। जब तक आप पूछेंगे नहीं, जब तक मुझे पता नहीं लगेगा कि मैं अपनी वीडियो में क्या गलती कर रहा हूँ, तो आप कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो आप अगर लाइक करेंगे तो मुझे भी वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियो को। तो देखिए मूव टूल होता है, मूव टूल से ड्रैग हो जाता है। मूव टूल से हम किसी भी फोटो को कहीं भी ले जा सकते हैं, किसी न्यू फाइल में ले जा सकते हैं। मूव टूल के बारे में यही होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।